फिल्म लाल सिंह चड्ढा को हिट कराने के लिए फर्जी टिकटों की हो रही है बुकिंग। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर आमिर खान पर लगा बड़ा आरोप। आमिर खान पर हो सकता है ईडी का एक्शन। बहुत जल्द खुलेगा आमिर खान की दंगल की चीन में 1400 करोड़ की कमाई का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इन दिनों जहां एक ओर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध हो रहा है, तो वहीं इस बीच आमिर खान पर एक बड़ा आरोप लगा है। आमिर खान पर आरोप लगा है कि वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए फर्जी टिकटों की बुकिंग करा रहे हैं, और ये बात सिर्फ बात ही नहीं बल्कि इसके पीछे सबूत भी दिए गए हैं, और वो सबूत जुड़ा है आमिर खान की फिल्म दंगल से। दरअसल आमिर खान की फिल्म दंगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को 2024 करोड़ रुपए बताया जाता है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए अकेले चीन से आए हैं। इसके अलावा ताइवान और हांगकांग से भी इस फिल्म की कमाई 60 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। लाल सिंह चड्ढा के समय हम दंगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी कमाई को लेकर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास शिकायत पहुंचने वाली है। लोगों को शक है कि ये कमाई फर्जी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं कि अक्सर काला धन को सफेद करने के लिए बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के फर्जी कलेक्शंस का सहारा लेते हैं। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी यानी कि LRO नामक संस्था ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वो आमिर खान की दंगल की 2000 करोड़ रुपए की कमाई के संबंध में ईडी और आयकर विभाग से शिकायत करेगी। बता दें कि दंगल सहित आमिर खान द्वारा निर्मित कई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में चीन का बम्पर योगदान रहा है। फिलहाल शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी चीनी कंपनियां हजारों करोड़ रुपयों की टैक्स चोरी को लेकर सरकारी कार्रवाई का सामना कर रही हैं। ऐसे में LRO का कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन में फिल्मों की रिलीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा हो रहा हो। साथ ही लाल सिंह चड्ढा की बुकिंग फेक होने का आरोप लगाते हुए भी LRO ने फर्जी विदेशी करेंसी फ्लो पर लगाम लगाने के लिए जांच एजेंसियों को पत्र लिखने का ऐलान किया है। एक अन्य यूजर ने भी आमिर खान की फिल्मों के चीन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर संदेह जताया है। जैसे सीक्रेट सुपरस्टार एक कम बजट वाली फिल्म थी जिसने भारत में मात्र 57 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन चीन में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 900 करोड़ रुपए दिखाया जाता है, जबकि दुनिया भर में भारत में 1429 करोड़ रुपए का भारी कारोबार करने वाली बाहुबली 2 ने चीन में मात्र 80 करोड़ रुपए ही कमाए थे। जाहिर है इन संदेहों को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की संस्था ईडी और आईटी से शिकायत करने वाली है, जिसके बाद बहुत हद तक ये मुमकिन है कि अगर इसमें जांच हो तो इस पर आमिर खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बुकिंग भी फर्जी कराई जा रही है ताकि लोगों को ये लगे कि ये फिल्म हिट है और वो भी देखने जाएं? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।